समाश्रे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की कक्षा में आए हुए श्री भगवत कथाभागी भगवत भक्त का स्वागत है, अभिनंदन है। उनके चरण कमलों पर याद करते हुए मैं दया और कृपा की एक मांग रहा हूँ कि आप कृपा करें, क्योंकि आपके हृदय में भगवान विद्यमान रहते हैं। वांछा कृपा रूपेषु कृपा सिंधु भयेषु पुत्रानां पावने भयेषु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पांचवा स्कंद छठवां अध्याय और श्लोक संख्या सात। तस्य हवा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत्रिसभस्य योगमायावासनया देह इमाम जगतिम अभिमान भासेन संक्रमणः कुंक विंक कूट कांदक्षिणा कर्नाटक कांदेशान यत छयो पगतः उत्का चलोपना आस्य कृतास्मा कवला उन्माद इव मूत मूर्ध जो असन्वित एव विचचार। मैं ही पढ़ लेता हूँ, आप लोग मत देख लीजिए होगा। तस्य उन भगवान ऋषभदेव का हवा मानो एवं इस प्रकार मुक्त लिंगस का जिनका स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के साथ तदात नहीं है भगवत भगवान ऋषभस्य ऋषभदेव का योग माया वासनया श्री भगवान की लीलाओं हेतु योग माया के प्राप्ति से देह देह इमाम यह जगतिम पृथ्वी अभिमान आभासेन अभिमान आभासेन यह देह भौतिक तत्वों से निर्मित है इस प्रकार के आभास से संक्रमण भ्रमण करते हुए कोंक वेंक कुट कान कोंक वेंक तथा कुटुक कुटक दक्षिण दक्षिण भारत में कर्नाटकान कर्नाटक राज्य में देशान समस्त देशों यच्छया अपनी इच्छा से उपगत पहुंचे उत्काचल उपवने उत्काचल के निकट जंगल में आस्य मुंह के अंदर कृत अस्म कवला मुंह में पत्थर भर कर उन्माद इव पागल के समान मुक्त मूर्धज मुक्त केशों से युक्त असन्वित नग्न एव ही विचचार भ्रमण करने लगे। वास्तव में भगवान ऋषभ तात्पर्य अनुपात ऋषिशील प्रभाद की वास्तव में भगवान ऋषभ देव को कोई भौतिक शरीर नहीं था न था, किंतु योग माया के कारण वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः समान मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाने की मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे, भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां वे रास्ते में कोंक वेंक कुटक प्रदेशों में गुजरे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुट खाचल के निकट
उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखरे पागल की भांति घूमने लगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश दारिणी। जय श्री कृष्ण जय कन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रमोद प्रभु की बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान ऋषभ देव के अपने बता रहे हैं कि तस्य हवा एव मुक्त लिंगस्य। भगवान का जो शरीर होता है, भगवान अपने को अपने आप को किसी भी रूप में, भगवान का कोई भी रूप मुक्त होता है। हमारी तरह नहीं कि जीव को जो देह प्राप्त हुआ है, देह और देही में हमारे अंतर होता है, परंतु जो भगवान का जो बॉडी है बिल्कुल स्पिरिचुअल है। इसमें यही भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है भौतिक नहीं है, और योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है, जिसमें महामाया अतरंगा शक्ति हो गई, महामाया हो गई, और एक बहिरंगा और एक तटस्थ शक्ति जिसे हम लोग हैं। तो भगवान का जो शरीर योग माया के द्वारा अभी ढक जाता है, इसलिए हमें लगता है कि भगवान एक मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। यही इस श्लोक में बता रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत लोग कहते हैं लेकिन भगवान कृष्ण तो एक पुरुष थे, कैसे हो सकते हैं वह? परंतु भगवान के सापेक्ष में देह और देही में अंतर होता है। जैसे हमारे देह में और देही में अंतर, देह मतलब क्या? ये शरीर, देही मतलब जो इसमें रह रहा है। कौन रह रहा है आपके अंदर? आत्मा। आत्मा है ना, आत्मा को शरीर मिला है, तो आत्मा में और हमारे अंदर बहुत अंतर है। आत्मा को पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए, लेकिन शरीर को चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए, गुलाब जामुन भी, सब कुछ चाहिए। नहीं खाएगा तो मर जाए, शरीर चलेगा ही नहीं। परंतु आत्मा को क्या चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं इसमें अंतर है? क्योंकि हमें जब आध्यात्मिक शिक्षा, जो नॉलेज है, जो वैदिक ज्ञान है, जब श्रीमद् भागवत महापुराण भगवद गीता को जानेंगे पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ममे मानसे जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं एक भगवान का दास हूं, मेरा मैं क्या हूं? आत्मा हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। मेरा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, और आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। एक कब बदलता है? जब हम भागवत को, भगवत गीता को पढ़ते हैं, उस समय हम बोलते हैं कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम अ सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? तो हम यहां के है क्या? यहां आने के बाद अपने आप को मान बैठते हैं, परंतु भगवान और उनके अवतार के बारे में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो शरीर है, चाहे भगवान के अंश अवतार हो, चाहे भगवान के अंश का अंश अवतार हो, उनके शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो महाप्रभु कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान निराकार है, कहते हैं बहुत लोग भगवान का रूप नहीं है। कृष्ण तो एक ग्वाला थे, लोग उनको कह कह करके भगवान बना दिए। ऐसे है बहुत लोग। मेरा अपना ही भाई कहता है, आप लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान कैसे हो सकती है? तो चोरी करते हैं, पता नहीं कितने स्त्रियों के साथ स्नान, क्या बोलते हैं, कितने नाचते हैं, कैसे? हाउ ही कैन गॉड बी गॉड, कैसे भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तुमने बोला तुम पागल हो गए, तो नमो बुद्धाय के मगर नमो बुद्धाय कुछ न बुझाए, पहले बुद्ध जी को पढ़ो तब समझ में आए, है ना। तो इसलिए बहुत भ्रांति भी मार्केट में है। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना बहुत टफ है, नहीं मानते हैं। हाँ, राम को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत विडंबना है। लेकिन भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं। महाप्रभु कहते हैं, प्राकृतिक कड़िया माने विष्णु का लेवर, अपराध नहीं आरव इहर ऊपर। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण के शरीर को एक प्राकृतिक मानता है, वह कृष्ण के प्रति अपराध करता है। ये महाप्रभु की वाणी है। देखिए, स्वयं भगवान ही अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे शरीर को
चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण ही जब मिल जाते हैं तो चैतन्य, राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये है। अब वही बोल रहे हैं कि जो विष्णु के कृष्ण के शरीर को क्या कलेवर मतलब शरीर को प्राकृतिक हमारी तरह अपनी तरह मानता है, उनको भी दर्द होता होगा, उनको भी भूख लगती होगी, नहीं उनको खाने के लिए नहीं है। तो वह व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपराध करता है और ऐसे अपराधी को मायावादी कहते हैं। मायावादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे प्रभा जी कहते हैं, जो निर्विशेषवादी थे, जो निराकरणवादी थे, उसको प्रभा जी ने तार दिए, भगवान को मानते ही नहीं थे। इसलिए ऐसे लोग मायावादी होते हैं जो भगवान के शरीर को स्वीकार नहीं करते, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। और महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी है कृष्ण अपराधी, जो मायावादी होते कृष्ण के अपराधी होते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। प्रभा जी कहते हैं मायावादी से बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहिए। हमें कोई वृंदावन से आए थे, एक अर्गणानंद महाराज के आप जानते हैं, उन्होंने गीता पर टीका लिखा हुआ, उनके एक अनुचर अनुगत में मिलने वाला मिल गया, बहुत बहस किया, खूब श्लोक भी बोल रहा है, हमने भी श्लोक बोला, खूब डिस्कस हुई, उन्हें कैसे भगवान मायावादी हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत किए, बोले कि आप लोग माने, हमने कि मायावादी आप भगवान की गीता पढ़ते हो और ये खा रहा था, क्या बोलते हैं इसको, सूती खा रहा था, हमने कि यही होता है मायावादी करोगे तो यही करोगे आप, तो चुप हो गए फिर उसकी बात। हम लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अनर्थ निकला ही नहीं, आप कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, पूरा अनर्थ भरे हुए, रोज खा रहे हैं इसको, अब बोल रहे हैं गीता पढ़ रहे हैं, क्या फायदा गीता पढ़ने से, कृष्ण को ही कृष्ण गीता से हटा दे रहे हैं, कह रहे कृष्ण है नहीं, अब उन्हीं के वाणी को आप पढ़ रहे हो। तो इसे बहुत विडंबना है, ऐसे बहुत लोगों ने गीता लिखा परंतु गीता से कृष्ण को ही हटा दिया। तो प्रभा जी कहते हैं ऐसे मायावादियों से बिल्कुल सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान को मायावादी एक साधारण मनुष्य समझते हैं कि सिंपल सा आदमी है, जब उनको जरूरत पड़ता है तो एक शरीर धारण करते हमारी तरफ और आते हैं। नहीं, भगवान जैसे इस रूप में है यहाँ पर श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन, उसी तरह बंसी विभूषित कलार बिंदे, बंसी विभूषित हमेशा उसी तरह रहते हैं, बंसी मोर मुकुट पीतांबर धारण किए होते हैं, कोई रूप में अंतर नहीं होता है। अगर आपको दर्शन हो जाए, आप लोग तो वो ही दर्शन होता होगा, कृष्ण का दर्शन होता है ना दर्शन होता है, अगर जिस रूप में दर्शन करते हैं वही सेम रूप वहां गोलोक में दिखता है, कोई अंतर नहीं है। उनका चिंतामणि सब शरीर प्योर है, एकदम शुद्ध है, हमारी तरफ नहीं है। लेकिन मायावादी नहीं करते, मायावादी करते नहीं, उन्होंने एक शरीर पकड़ा, शरीर लिया, तब आए लिया किया, फिर उनको बोलते हैं कि भेड़िया ने मार दिया, अरे भाई कहां से मार सकता है, भगवान लीला कर रहे हैं, क्या मार सकते हैं हमें लिया। जिसके भ्रिकुटी महाविष्णु खाली एक बार ऐसे देखते हैं तो पूरे प्रलय हो जाता है, वैसे भगवान क्या कोई छू सकता, जिसके नाम को कोई लेता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण करके क्या क्या घूमता रहता है प्रवचकाचार्य की तरह, नाम में इतना पावर है, जिस भगवान का दर्शन हो जाए कहां से हो सकता है, कहां संभव है, ऐसे हमारे भगवान को ही लोग हटा देते हैं गीता भगवान से। तो मायावादी इसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई साधारण बालक 7 साल का गोवर्धन 7 दिन 7 रात तक उठा सकता है, बोला भाई तुम 100 किलो का उठाओ ना, बोले छोड़ो उठा के लगाओ भाई, तुम्हें क्यों भगवान मानूंगा, कैसे संभव हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को 16108 रूप में विस्तार कर सकता है, 33 करोड़ गोपियों के रूप में विस्तार कर सकता है, नहीं कर सकता है, सो इमेजिन करिए कहां से हो सकता है, ये भगवान ही कोई सिंपल आदमी नहीं कर सकता है। भगवान ने जब महाराज किया था यमुना के पुलिंग पर, 33 करोड़ देवियों मतलब कि गोपियों के साथ 33 करोड़ रूप में अपने आप को विस्तार किया, सबके साथ कृष्णा थे, वही कृष्णा मोर मुकुट वंशीधारी पीतांबर धारी, सबके साथ भगवान ने राज किया। हम लोग करें ना विस्तार, घर में ही रहे बाहर नहीं रहे, कहां से रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये अंतर है भगवान में और हमारे में, और मायावादी एक निगरण ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते हैं मायावादी और अवैष्णव से अभक्त से कभी बहस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा चलते रहो, फालतू बहस मत करो, अपने भक्ति का घटन होता है, क्योंकि फालतू फालतू बोलेगा अपराध करेगा, जो भी सुकृति मिली वही खत्म हो जाएगा।
इसलिए बढ़िया उसे हरे कृष्णा बोलो, उसे प्रसाद खिलाना खिलाइए, निकलते बने। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं और वैष्णव से हरि कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। जो भक्त नहीं है, एक गुरु परंपरा में नहीं आता है, कथा नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो इवन बहुत लोग कथा यूट्यूब से सुनते हैं इधर उधर के, नहीं सुनना चाहिए गुरु महाराज जी, नहीं सुनना चाहिए। गौड़ी में हो तो गौड़ी में सुनो, इतनी कथाएं मर जाओगे सुनते सुनते, डेटा खत्म हो जाएगा, है ना प्रभु जी। आचार्यों ने सनातन गोस्वामी ने कहा है कि पता नहीं वो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। गीता भागवत को छोड़ दो के दुनिया के हर चीज बातें बोलेंगे, कभी नेतागिरी भी करेंगे, कभी क्रिकेटर का भी बात करने लगते हैं, आचार्य करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, गीता भागवत को छोड़ेंगे और फालतू की बातें करते हैं। महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनने हय सर्वनाश। महाप्रभु श्री गौरपुर में आ रहा है ना, महाप्रभु कहते जो मायावादी का भाष्य पढ़ता है सुनता है उसका सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश मतलब भक्ति चौपट खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसे नहीं ऐरी गैरी का कथा नहीं सुनना चाहिए, जो एक परंपरा में हो। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्ष योगी दू सकालीन ई माता योगो नष्ट परंत। भगवत गीता के चौथे अध्याय दूसरे नंबर श्लोक, परंपरा में जो गुरु आचार्य उनकी कथा में सुनना चाहिए, ऐसे नहीं उठाया शुरू हो गए। बहुत लोग आज जो टीवी पर फेमस है ना उन्हीं कथा सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, देख अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं गीता के श्लोक भागवत को छोड़ करके फालतू का भजन शुरू करेंगे, उसमें पूरा मसाला डालेंगे। मसाला इसमें भी है, गीता का श्लोक पूरी है ना, कितना मसाला है। उनको कर्ण प्रिय लगना चाहिए, तो कानों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारा गौड़ी ऐसा सिखाते हैं कथा आत्मप्रिय होना चाहिए, आत्मा का उद्धार होना चाहिए कथा सुनने से। रोज कथा सुनेंगे वही अनर्थ वही काम कर रहा है, फिर कथा सुनने क्या फायदा है। जीवन भर बोलते रह देंगे राधे राधे श्याम मिला, तो कभी राधे नहीं मिला सकते। ठीक है मिलाएंगे, परंतु परंपरा में आना पड़ेगा। गुरु वैष्णव एक शुद्ध वैष्णव की परंपरा में आना पड़ेगा, जैसे मधुसूदन प्रभु ने दीक्षा दिया परंपरा, उस परंपरा में आकर के हमें सुनना पड़ेगा, तब जाकर हमें भगवान की। मायावादी के सबसे बड़े प्रकांड पंडित आदि शंकराचार्य, आप लोग नाम जानते होंगे, कौन थे, शिव जी थे। इनका भी किसी और प्रयोजन से ही आए थे यहां पर, ये बात भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि आदि शंकराचार्य, शंकर जी आप जाओ और नास्तिकों को मुझसे अलग करो और मेरे विरुद्ध प्रचार करो मायावाद का, कि भगवान पर्सनल है, निराकार है। फिर भी वो शंकराचार्य ने क्या कहा लास्ट भज गोविंदम में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मत रे मूड मन, भज लो कहां जा रहे हो, कथा छोड़ गई। हे भज गोविंद कहां जा रहे हो, मतलब उन बता की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहे हैं, भाई चली गई तो अलग की बात ना। इसलिए हे भज गोविंद कहां जा रहे हो, मत जाओ कथा में आप लोग हंस क्यों देते। और श्रीमद भागवत महापुराण पर शंकराचार्य ने कोई टीका नहीं लिखा है, आप देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। भगवत गीता पर लिखा उन्होंने, लेकिन भागवतम पर नहीं लिखा, क्योंकि चाहते थे कि भागवतम को मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये गलत है मैं बोलूंगा जो, वो शंकर से ज्यादा कृष्ण को कौन जान सकता है। जब जब कृष्ण लीला होता है पहुंच जाते हैं नंदगांव में, गोकुल में टेर कदम यात्री, अभी भी आश्लेष्वर महादेव है नंदगांव में। फिर उसके बाद जब कौशल्या हृदय गर्भ से भगवान का जन्म हुआ पहुंच गए, काक भुसुंडी और है क्या बोलते हैं महादेव, दोनों लोग पहुंच गए। सोचिए भगवान जैसे द्वापर युग में रोने लगे थे, उसी तरह राम भी रोने लगे थे दर्शन करने के लिए। सेम लीला महादेव जी हर अवतार में, उनसे बेहतर भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसलिए आदि शंकराचार्य ने भागवतों को टच भी नहीं किया है, कोई कॉमेंट्री नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि श्रीमद भागवतम अमलम पुराणम यत वैष्णवानाम प्रियम। ये जो भागवत है अमल है, इसमें कोई मल नहीं, मल रहित है, अमल है। आप वैष्णव के, आप जैसे वैष्णव के लिए बहुत प्रिय है, ये वैष्णव के लिए बहुत प्रियतम है, बहुत प्रियकर है श्रीमद भागवत महापुराण। इसलिए आप देखिए रामानुजाचार्य को लीजिए, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय आता है ना हम लोगों का,
उसके विष्णु स्वामी कौन संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय, निम्बाकाचार्य श्री संप्रदाय, इस सभी ने भागवतम पर कमेंट्री दिया है और भागवतम कृष्ण जुगल जोड़ी की आराधना की है, राधा श्याम श्यामाजी और श्याम की। इन चार संप्रदाय को छोड़ करके आप कहीं जा रहे हैं गड़बड़। तभी तो वेद व्यास जी ने कहा, क्या कहा, ये भागवत कैसे पुराण है, धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सीवदम सीवदम, मतलब कल्याण करने के लिए कल्याण करने वाला है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परे ईश्वरम, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। सद्यो ही और उद्यते अत्रो कृत भी सुश्रु भी तत्क्षणात्, जो इसको सुनता है तुरंत ही मुक्त हो जाता है, इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। भागवतम के दूसरे श्लोक में व्यासदेव कह रहे हैं, धर्मो प्रोजित कहते हो, इसमें कोई कपट नहीं है। तभी तो वेद व्यास के लिखना पड़ा है इस ग्रंथ को, इसमें बिना कपट के ग्रंथ लिखा गया, कोई कपट नहीं है। निर्मत सराणाम सताम, जो निर्मत्सर लोग हैं, जो ईर्ष्या से विहीन लोग हैं, उसी को भागवत समझ में आने वाला है। महाराज सोच लीजिए, अगर इस भागवत को समझना है भक्तों से भगवान से वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो भागवत सुनेंगे घुसेगा सीधा निकलेगा बाहर। ये भागवत कृष्ण है, स्वयं वाग्मय मूर्ति है भगवान की, जल्दी घुसने वाला नहीं है, लेकिन जब घुस जाता है तो निकलता ही नहीं है। कृष्ण टेढ़े हैं, अगर टेढ़ी लकड़ी को अगर आप बोतल में घुसा दो पर तो घुसेगा नहीं, नहीं घुसेगा ना, कभी बिस्लरी के बोतल में टेढ़ी लकड़ी घुसाइएगा, टेढ़ा जो तीन तरह से टेढ़ी हो है ना, घुसाइए पहले तो घुसेगा नहीं, घुस गया तो फिर निकलेगा नहीं, बोतल को खटना पड़ेगा। ऐसे भगवान है, जब हृदय में पहले तो घुसते नहीं और जब समाहित हो जाते हैं तो निकलने का नाम है, इसे भगवान का सुनिए। इसलिए हमें ये सब अभेद भी कहता है, इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए और ईर्ष्या भगवान से नहीं करना चाहिए। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो गड़बड़ है, इस भागवत को नहीं समझता है, नहीं समझता है, क्योंकि भागवत के पहले ही अध्याय, पहले ही स्कंद के पहले ही अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में कह रहे हैं निर्मत सराणाम सताम, या उसी को समझना आएगा जो निर्मत्सर हो, मतलब मत्सरता पूर्वक। मत्सरता मतलब क्या होता है, बिना भी वजह फालतू की ईर्ष्या करना, कोई मतलब नहीं है उनसे, फालतू की उनका उनकी प्रगति को देख करके जलन होना, अरे जलन हो रहा है कुछ जैसे उसका दवा खा लो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फालतू क्यों जलन हो रहा है। इस कलयुग में इस पुराण रूप में ही भगवान कृष्ण का अवतार है, इस साहित्यिक अवतार है भगवान कृष्ण। इस प्रकार वेद भी कहता है उठो उठो, इस सबसे हमें अलग रहना है मायावादियों से और उठ करके भगवान के नाम को हमेशा लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, जीव जागो गौराचंद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पीछा चिरे क्या कोले, अरे जीव कब तक सोते रहोगे, उठो उठो छप जाओ, कब तक जगो रहोगे, साधारण हो जाओ, यदि हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें सोना नहीं है, सोना इन द सेंस इधर उधर की बातें नहीं करना है, प्रजा का निंदा इससे आदेश नहीं करना है, सीधा भगवान भगवतम के चक्कर में पड़ना है, इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे कुछ भी करेंगे प्रभु जी, हरि नाम भी लेंगे, वैष्णव के प्रति यदि निंदा प्राप्त करेंगे तो कुछ ना कुछ पुनः पुनरअपि जन्म निश्चित 100%। सुन लीजिए सुनिए सह लीजिए सहके जस्ट इग्नोर, चलते रहिए। हाथी चलते तो बहुत कुत्ते भोगते हैं, देखे यार गांव में पहले हाथी आती तो हम लोग पीछे पीछे लगे थे, कुत्ते पीछे पीछे, इतना बड़ा जानवर किसे आ गए भाई, मेढक की तरह देखे ही नहीं, इतना बड़ा जानवर अब भोगते रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं हाथी की तरह चलना चाहिए मनमस्त, ऋषभ यही कह रहे हैं कि भगवान को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की शुद्ध अवस्था होती है, भगवान के नाम होना उनके शरीर में कोई अंतर नहीं, भगवान का शरीर
और भगवान बिल्कुल अभिन्न है। अगर ऐसा हम बुद्धि नहीं रखते हैं तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया गृहत्य, हम माया के द्वारा बंध जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते ममावे मामेव ये प्रबंधे माया में काम करती थे, जो मेरी शरण में आता है बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान ऐसा बुद्धि कब आएगा, जब गीता भागवत हम पढ़ेंगे तब आएगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भागवतम और भगवत गीता के को हम पढ़ेंगे तभी हम समझ में आएगा कि भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल उनका शरीर अब लीला करने के लिए योग माया से आदृत होकर आते हैं, लीला करते हैं, फिर अपने धाम चले जाते हैं। हरे कृष्णा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम महापुराण की, समेत भक्त वृंद की, नित्याय गौर प्रेमानंद की। हरे हरे कुछ प्रश्न पूछिए। राम जी प्रभु हंस के पूछते हैं प्रश्न। देख रहे कितना बोला कुछ खाते हैं, हंसी भी कुछ मैटर रखती है, बहुत जल्द आज खत्म हो गया। हाँ कहीं जाना है आज, माफी चाहते हैं आज सेवा नहीं कर पाए, इसलिए बोले कहीं जाना है।